बीते बुधवार 8 दिसंबर को कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में हमने देश के पहले CDS बिपिन रावत समेत 13 लोगों को खो दिया। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद से ही लोगों के मन में ब्लैक बॉक्स को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, तो आइए सुलझाते हैं इन अनसुलझे सवालों को और जानते हैं ब्लैक बॉक्स की पूरी ABCD। क्या होता है ब्लैक बॉक्स? सबसे बड़ा सवाल, ब्लैक बॉक्स होता क्या है? आपको बता दें कि हर साल प्लेन हादसों के कारण हजारों लोगों की जान चली जाती है। मौसम का खराब होना और इंजन में खराबी आना जैसे कई कारण हैं जो इन प्लेन हादसों की वजह बनते हैं। लेकिन अब पता कैसे लगाया जाए कि प्लेन किस कारण इन हादसों का शिकार हुए हैं? इसी के कारण इस यंत्र का निर्माण किया गया जिसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं। कब बना था ब्लैक बॉक्स? इसका आविष्कार दूसरे विश्व युद्ध के दौरान किया गया, जब ब्रिटिश आर्मी के लड़ाकू विमान हादसे का शिकार हो जाते थे। उस समय पता लगाने के लिए कि हादसा कैसे हुआ, ब्लैक बॉक्स का आविष्कार किया गया। एक ब्लैक बॉक्स में आखिर क्या क्या होता है? आपको बता दें कि ब्लैक बॉक्स दो तरीके के होते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। इन दोनों को मिला के ये एक ब्लैक बॉक्स बनाया जाता है। क्यों माना जाता है ब्लैक बॉक्स को इतना खास? आपको बता दें कि एक ब्लैक बॉक्स इतना खास इसीलिए माना जाता है क्योंकि हादसे से 2 घंटे पहले तक के सभी डेटा इसमें रिकॉर्ड रहते हैं। हादसे से पहले की हेलीकॉप्टर की रफ्तार, ऊंचाई, ऑयल प्रेशर जैसे करीब 88 डेटा इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं, बल्कि कॉकपिट में पायलट्स के बीच हो रही बातों को भी ये रिकॉर्ड करता है। किसी भी हेलीकॉप्टर हादसे में आखिर ब्लैक बॉक्स कैसे बच जाता है? एक ब्लैक बॉक्स को अधिकतर हवाई जहाज के पिछले हिस्से में लगाया जाता है क्योंकि हवाई जहाज का पिछला हिस्सा सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, ताकि अगर हवाई जहाज हादसे का शिकार हो भी जाए तो ब्लैक बॉक्स को कुछ ना हो, जिससे जानकारी ली जा सके कि प्लेन हादसे का शिकार कैसे हुआ। बता दें कि ये बहुत मजबूती से बनाया जाता है ताकि ये ना पानी से, ना आग से और ना ही किसी टकराव से खराब हो। इसकी मजबूती का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि अगर इसे 11,000 डिग्री के तापमान में भी छोड़ दिया जाए तो 1 घंटे तक ब्लैक बॉक्स सुरक्षित रहता है। साथ ही ब्लैक बॉक्स शॉक प्रूफ भी होता है। अब सवाल ये है कि इतना मजबूत ये ब्लैक बॉक्स आखिर बनता कैसे है? बता दें कि ब्लैक बॉक्स 3 धातु के मिश्रण से बनता है जिसमें एल्यूमिनियम, स्टील और टाइटेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। आखिर ब्लैक बॉक्स का नाम ब्लैक बॉक्स ही क्यों रखा गया? अब सबसे बड़ा सवाल, आपने तस्वीरों में कभी भी किसी ब्लैक बॉक्स का रंग काला नहीं देखा होगा, तो इसे ब्लैक बॉक्स कहते क्यों हैं? इसके पीछे 2 थ्योरी है। सबसे पहला कि शुरुआत में ये ब्लैक बॉक्स काले रंग के होते थे, जिस वजह से इनका नाम ब्लैक बॉक्स पड़ गया। दूसरा ये कि दुर्घटना से जुड़ी हर वस्तु और बुरी चीज को काल से यानी काले रंग से जोड़कर देखा जाता है, जिस वजह से ये नाम ब्लैक बॉक्स रखा गया। ब्लैक बॉक्स हमेशा नारंगी या फिर पीले रंग के होते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे तमाम वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें जनहित टाइम्स के साथ।